कुल्लू दशहरा उत्सव 2020, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार महामारी के चलते बड़े सूक्ष्म रूप से मनाए जाने का जो हमारा आयोजन है सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार, उसके अनुसार आज यहाँ हमारी जो रघुनाथ जी की रथ यात्रा है वो बड़ी सुचारू रूप से संपन्न हो गई। तो इसके लिए एक व्यापक प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, जैसे कुछ मात्र चुनिंदा देवी देवता ही आए हैं और उसके अलावा सभी जितने भी लोग जिन्होंने भाग लिया है, चाहे वो देवलू हैं या और कोई जो भी रथ यात्रा में हैं, उन सब का कोविड-19 का पहले टेस्ट करवाया गया। ICMR से अप्रूव्ड जो हमारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उनको आज रथ यात्रा में सम्मिलित किया गया। और उसके अलावा बड़ी सीमित संख्या में हमारे जो देवी देवता आए हैं, इसके अलावा जो प्रतिदिन जो दर्शन के लिए हमारे श्रद्धालु आएंगे उनको भी पूरे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करते हुए एंट्री एग्जिट हर एक देवता के समक्ष कैंप के समक्ष बनाया गया है, और जहां पुलिस तैनात रहेगी 7 दिन और पूरा कोविड-19 के मानकों का ध्यान रखते हुए परंपरा को निर्वहन किया जाएगा। आज अभी कुछ पल पहले रघुनाथ जी की रथ यात्रा बहुत पारंपरिक तरीके से और जिन परंपराओं को निभाने की आवश्यकता रहती है उसके साथ किया गया, और भगवान रघुनाथ जी के साथ अभी जितने लोग जाने चाहिए थे वो सभी गए और बहुत अच्छे से रथ यात्रा हमारी संपन्न हो रही है। और दूसरा भी लगातार 7 दिनों तक कुल्लू का दशहरा और जो उसकी धार्मिक रीतियां हैं, नीतियां हैं, वो सब की सब चलती रहेंगी, और उसमें हमने लिखित रूप में भी और मौखिक तौर पर भी सभी को SOP जारी किया गया है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि अधिकतर जो देवी देवताओं के साथ जो हरियान आए हैं, जो कारकुन हैं, वो सभी के सभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इत्यादि लगाने का स्वयं भी ध्यान रख रहे हैं, और इसे लगातार अभी सैनिटाइजेशन का भी और सोशल डिस्टेंसिंग इन सब बातों का ध्यान जहां सरकार की ओर से किया जा रहा, लेकिन कुल्लू की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी लोग स्वयं आगे बढ़ करके भी इन नियमों का पालन करने में जुटे हैं, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये सही है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए सूक्ष्म रूप से हर जो ट्रेडिशन है वो निभाई जाएगी। अब यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, उसके उपरांत ढालपुर मैदान के जहाँ रथ ग्राउंड है वहाँ से लेकर रघुनाथ के कैंप तक रथ यात्रा होगी। जो देवता जितने भी आए हैं वो रघुनाथ के साथ चलेंगे, और फिर 7 दिन रघुनाथ जी वहाँ पर कैंप रहेगा और रोज़ गतिविधियाँ रहेंगी, चाहे मोहल्ला है चाहे जलेब है, और उसके बाद फिर भगवान लंका दहन करके लौटेंगे 7 दिन। दशहरा जिसकी अनूठी परंपरा है, जहाँ देश में आज दशहरा समाप्त हो रहा है, यहाँ अगले 7 दिनों तक चलेगा, लेकिन इस घाटी में जो ये समृद्ध परंपराएं आज निभाई गई उसमें कोविड काल में भी लोगों ने उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, चाहे वो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, मास्क पहनते हुए, इस कोविड-19 से लड़ते हुए इस पर्व को, इन परंपराओं को निभाया, ये सचमुच काबिले तारीफ है। और हम प्रभु से ये वंदन करते हैं कि ईश्वर की अनुकंपा से ये महामारी जल्दी समाप्त हो और पूरा विश्व इससे निजात पाकर इस तरह के उत्सवों को हर्षोल्लास के साथ मनाए। संदेह लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, वो कोरोना के बचाव के साथ साथ रघुनाथ जी के दर्शन भी करेंगे और रघुनाथ जी के आशीर्वाद से ये महामारी जल्दी ही इस विश्व से चली भी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। कुल्लू दशहरा जिसकी अनूठी परंपरा है, जहां देश में आज दशहरा समाप्त हो रहा है, यहां अगले 7 दिनों तक चलेगा, लेकिन इस घाटी में जो ये समृद्ध परंपराएं आज निभाई गई उसमें कोविड काल में भी लोगों ने उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, चाहे वो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, मास्क पहनते हुए, इस कोविड-19 से लड़ते हुए इस पर्व को, इन परंपराओं को निभाया, ये सचमुच काबिले तारीफ है। और हम प्रभु से ये वंदन करते हैं कि ईश्वर की अनुकंपा से ये महामारी जल्दी समाप्त हो और पूरा विश्व इससे निजात पाकर इस तरह के उत्सवों को हर्षोल्लास के साथ मनाए। संदेह लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, वो कोरोना के बचाव के साथ साथ रघुनाथ जी के दर्शन भी करेंगे और रघुनाथ जी के आशीर्वाद से ये महामारी जल्दी ही इस विश्व से चली भी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है।